हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मिस्टर सतबीर। आज मैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सर एंड द कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। बी, ए मिक्सचर मे बी होमोलोगस और हिट्रोजीनियस बट ए कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस। सी, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मैथड बट दोज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड्स। डी, एनर्जीज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर्स बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड। तो इस स्टेटमेंट्स में अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की और कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, तो इसका जो ऑप्शन डी रहेगा दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट, आइसोटॉप्स एटॉमिक एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सेकंड, आइसोबार्स एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। थर्ड, आइसोटॉन्स एटम्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो हमें नेक्स्ट दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वी, फर्स्ट ओनली। सी, वन एंड सेकेंड ओनली। एंड डी, इज सेकेंड ओनली। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो करेक्टली मैच्ड कर रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ क्या है, वी रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आइसोटॉप्स की जो है दैट इज द ओनली करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे लिस्ट दे रखी हैं। फर्स्ट में हमें साइंटिस्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट लिस्ट में गोल्डस्टेन, चैडविक, जे जे थॉम्सन एंड जॉन डल्टन। एंड डिस्कवरी दूसरी साइड दिया हुआ है लिस्ट सेकंड में, उसमें कौन कौन सी डिस्कवरी, एटॉमिक थ्योरी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें, अगर पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें अगर पता है कि गोल्डस्टेन ने कौन सी डिस्कवरी की थी तो वी कैन ईजिली प्रिडिक्ट द आंसर। तो अगर हम बात करते हैं गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया तो सेकंड आएगा। नेक्स्ट, चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट बात करते हैं जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। तो राइट ऑप्शन इज 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायमंड। फर्स्ट दिया हुआ स्टेटमेंट, इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ सिलिकॉन। सेकंड, इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। एंड फोर्थ, इट वांट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बी में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सी में फर्स्ट एंड सेकंड। एंड डी में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमंड जो है वो सिलिकॉन का आइसोटोप नहीं है, वो कार्बन का आइसोटोप है, ठीक है। सेकंड, इट इज़ द बैड कंडक्टर, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये भी ठीक है। वन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, भी ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग डायमंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड इन द कनेक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉइजनस गैस। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड एंड थर्ड, सी थर्ड ओनली एंड डी फर्स्ट एंड थर्ड। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई पॉइजनस गैस नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है इसके लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये सेकंड एंड थर्ड। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51।
Which of the following statements or diamonds are correct? First, it is used as gem in the jewelry because of its ability to reflect light. Second, it is a good conductor of electricity. Third, it is used for cutting glass, marble stones, and other hard materials. Fourth, it is used for drilling of rocks. Select the correct answer using the code given below. First, your first, third, fourth. B, the other, second, third, fourth. C, the other, first, second, third. And D, the other, second and fourth. तो हम बात करते हैं तो सेकंड जो स्टेटमेंट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट्स रॉन्ग. फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज राइट. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं. कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं डायमंड और ग्रेफाइट की रिगार्डिंग. फर्स्ट जी है डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट. राइट. डायमंड इज सॉफ्ट ग्रेफाइट इज हार्ड रॉन्ग. डायमंड इज ए बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर. राइट. फोर्थ वन दी हुई है डायमंड इज ए गुड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज ए बैड कंडक्टर रॉन्ग. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट ओनली. सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट थी वो राइट थी क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको ऊपर. नेक्स्ट चलते हैं 53 क्वेश्चन. कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ. फर्स्ट ऑप्शन सॉरी फर्स्ट दिया हुआ है सॉइल्स. सेकंड एनिमल्स. थर्ड प्लांट्स. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. ऑप्शन ए थर्ड ओनली. बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. सी फर्स्ट सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. एंड डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली. तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सी इज द राइट आंसर. फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन द ओपन एयर इट गेट रस्टेड. विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन. फर्स्ट दिया हुआ है ऑक्सीजन. गैस प्रेजेंट इन ईयर. सेकंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन ईयर. थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन ईयर. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए नहीं चाहिए होती है तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड. तो फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा है. सी. सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द statements given below is are correct. Permanent hardness of water is due to the presence of soluble. First you have chlorides of calcium, bicarbonate of calcium, sulfate of magnesium and bicarbonate of magnesium. So sorry, bicarbonates जो होते हैं वो permanent hardness के लिए responsible नहीं होते हैं. तो जो permanent hardness होती है वो किस किस वजह से होती है. तो वो क्लोराइड्स और सल्फेट की वजह से ही होती है. ठीक है. और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है. ठीक है. तो अगर हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दिस तो इसमें एक तो दिस वन एक तो आपका फर्स्ट और एक थर्ड क्लोराइड और सल्फेट्स जो होंगे वो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Consider the following statements. First, an alloy is a mixture of two or more metals. Second, an alloy is a mixture of metal or metals with non-metals. Which of the statements given above and is are correct? First, first only. B, second only. C, both first and second. And D, neither first and second. तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो first जो statement है that is the only right one in this question. नेक्स्ट चलते हैं. कंसीडर द फ्लोइंग. क्रूड ऑयल इज ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ. चार बताए हुए हैं यहाँ पे. असफाल्ट, पैराफिन वैक्स, फैटी एसिड्स एंड गैस ऑयल्स. तो ऑप्शन देखते हैं कि कोड हमें क्या दे रखा है. तो इसमें हमें विच ऑफ द अबव आर करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. बी सेकंड एंड थर्ड.
सी फर्स्ट एंड फोर ओनली एंड डी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसमें राइट आंसर रहेगा डी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट दी हुई है सेलुलोज नाइट्रेट पोटाशियम सल्फेट पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरी तरफ यूजेस दिए हैं उसके सॉफ्ट सोप गन पाउडर फर्टिलाइजर ग्लास। तो सेलुलेज जो नाइट्रेट है वो किसकी तरह यूज किया जाता है? सेलुलेज जो नाइट्रेट है वो गन पाउडर की तरह यूज किया जाएगा। पोटाशियम सल्फेट फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाएगा। पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स उसको हम फैटी एसिड्स के जो सॉल्ट होते हैं सॉफ्ट सॉप की तरह यूज करते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ग्लास की तरह यूज किया जाता है। तो टू थ्री वन फोर तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर? फर्स्ट हीलियम मर्करी क्लोरीन ब्रोमीन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। टू थर्ड टू थ्री फोर टू फोर एंड वन थ्री ओनली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो टू एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज फ्यूल्स इन टर्म ऑफ दियर कैलोरीफिक वैल्यू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज हाइड्रोजन गैस कैरोसिन ऑयल चारकोल वुड। ऑप्शन दिया हुआ है 4321 4231 1234 एंड 1324। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्लोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? तो इसका ऑर्डर रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 4321। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे हैं। थैंक यू।